7 ऐसी मिस्टेक्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय बहुत सारे लोग करते हैं। इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि इनिशियल टाइम्स में मैंने खुद करी हैं, एंड कुछ ऐसी हैं जो कि मैं आसपास लोगों को या अपने फ्रेंड्स को करते देखता हूं। सो एक बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक आप जरूर से देखें। सो जो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है वो है बेसिकली नॉट इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन योर गोल्स। सो जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक गोल हमारे सामने होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर गोल ही नहीं है तो हमें पता नहीं लगेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। सो गोल में बेसिकली क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, लाइक हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछोगे कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं, तो वो सबसे पहले आपसे यही चीजें पूछेगा। इसलिए आपको ये चीजें खुद पहले पता होनी चाहिए, फिर ही आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि सिर्फ 1 से 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब अगर उसको ये ध्यान नहीं है और वो कोई ऐसा फंड बाय कर लेता है जिसमें कि आप 3 साल से पहले पैसे को विड्रॉ नहीं करवा सकते हो, तो देन डेफिनेटली उसको नुकसान होगा। तो इसलिए आपको पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि आप क्यों पैसा लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, एंड कितना रिटर्न आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। सो सेकंड मिस्टेक हमारी इसी पॉइंट से आ जाती है। तो जैसे मैंने बात करी कि अगर वो ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 3 साल तक आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करवा सकते हो, सो ऐसे कौन से फंड होते हैं? सो ऐसे फंड होते हैं बेसिकली जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, इसको लॉक इन पीरियड कहा जाता है, और ये जनरली ELSS फंड्स में होता है जिनमें हम टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता ये फंड्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मैं एक इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अब समझ लीजिए आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हो जिसमें 3 साल का लॉक इन है और आपको पता ही नहीं है ये चीज, तो देन डेफिनेटली आपको आगे जाकर काफी मुश्किल होगी अगर आपको उस पैसे की जरूरत पड़ जाती है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये पता नहीं था एंड उन्होंने ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया, देन जब वो पैसे विड्रॉ करवाने गए तो वहां पे लिखा हुआ था कि 3 साल के लिए आप पैसे अपने विड्रॉ नहीं करवा सकते हो, एंड अभी फिलहाल उनकी SIP भी रुक चुकी है एंड देन वो पैसे को विड्रॉ भी नहीं करवा सकते हैं। अब SIP उन्होंने क्यों रोकी, तो बेसिकली जो भी ये 3 साल का पीरियड है वो हर SIP डेट से काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज से लेकर 3 साल बाद आप उस पैसे को विड्रॉ करवा पाओगे। इसी तरीके से अगर आप आज से 5 महीने बाद कोई अपनी SIP पे करते हो, देन उसका पीरियड जो वो वहां से काउंट किया जाएगा 3 साल के लिए। सो इसलिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस चीज को जरूर से चेक करें कि उस पर्टिकुलर फंड में कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, और अगर लॉक इन पीरियड है तो फिर आप देखें कि क्या ये मेरे गोल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब क्या मेरे को इस टाइम तक इस पैसे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनसे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसे लास्ट तक जरूर से देखें वीडियो। सो थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वो बेसिकली बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये, एंड ये है इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न्स। तो हम होता क्या, जनरली जब भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम कोई ऐप ओपन करते हैं, बहुत सारी ऐप्स जो है वो ऊपर फंड्स दिखाती हैं कि ये टॉप फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, एंड वहां पे जनरली ऐसे फंड्स होते हैं जो कि 50% 60% 70% तक रिटर्न दिया होता है जिन्होंने पिछले 1 साल में, और अगर आप इस बेस पे इन्वेस्ट करते हो तो देन डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। हुआ क्या था, लाइक आज से अराउंड 1 साल पहले जो भी एप्स थी, सभी एप्स अराउंड वहां पे ऊपर जो फंड्स दिखा रही थी वो दिखा रही थी IT सेक्टर वाले, बिकॉज IT सेक्टर उससे 1 साल पहले बहुत ज्यादा अच्छा खासा चला था एंड सभी फंड्स ने अराउंड 60% 70% तक का रिटर्न दिया था। अब जो भी नया इन्वेस्टर था उसने सोचा कि अच्छा पिछले 1 साल में 70% का रिटर्न, हो सकता है आने वाले साल में भी ये 70% का रिटर्न दे, मतलब मेरा 1.5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो यही सोचकर उन्होंने इन्वेस्ट किया। और हालत क्या हुई उसके 1 साल बाद, अभी अगर हम करंट बात करें तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं IT सेक्टर के जो कि नेगेटिव रिटर्न में चल रहे हैं। तो इसलिए पास्ट रिटर्न को देखकर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जरूर से अगर आप पास्ट रिटर्न देखना चाहते हो तो देखिए, बट फिर आपको देखना है 5 से 10 साल का, आपको कंपेयर करना है कि पिछले 10 साल में मार्केट कितनी चली है, या वो जो पर्टिकुलर फंड है जिस सेक्टर का वो फंड है या जिस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है वो कितना चला है, एंड इस पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया है। और आपको जो भी रिटर्न देखना है वो कंसिस्टेंटली देखना है, आपको कोई भी ऐसा फंड प्रेफर नहीं करना है जो कि 10 में से 2 साल तो 30-30% का रिटर्न देता है बट बाकी ईयर्स वो नेगेटिव रिटर्न देता है। अगर आप ऐसे फंड को चूज करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा 10 में से सिर्फ 2 साल बढ़ेगा, बाकी साल वहीं का वहीं स्टैग्नेट रहेगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली जो फंड्स अच्छा कर रहे हैं उनको चूज करना है, और पास्ट परफॉर्मेंस जो 1-1.5 साल की है उसको इग्नोर करना है। इसी से हमारी फोर्थ मिस्टेक आ जाती है जो कि इसी से मिलती जुलती है, और वो है इन्वेस्टिंग इनटू सेक्टोरल फंड्स। अब ये भी गलती बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं बिकॉज उनको फंड चूज करने का इतना पता नहीं होता कैसे करना है। तो अगर आपको नहीं पता फंड कैसे चूज करते हैं तो ये वीडियो जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने बहुत
डिटेल में बात करी है कि कौन से पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए आपको किसी भी फंड को चूज करने से पहले। अब सेक्टोरल फंड क्यों हम चूज कर लेते हैं, बिकॉज यही रीजन है कि वहां पर रिटर्न बहुत ज्यादा दिख रहा होता है। बिकॉज देखो स्टॉक मार्केट साइकिल में चलती है, इसी तरीके से किसी सेक्टर का टाइम होता है और वो तब बहुत अच्छा खासा चलता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये सेक्टर तो नहीं है, बट 2017 के अराउंड मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनीज थी वो काफी अच्छे से चली थी, और उस दौरान कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो कि एक साल में डबल या ट्रिपल भी हो गए थे। अब वहां पे लोगों को क्या लगा कि आने वाले टाइम में भी ये ऐसे चलते रहेंगे, और 2017-18 के अराउंड बहुत सारे लोगों ने मिड कैप में स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया था। एंड देन हालत क्या हुई कि अगले 2 से 3 साल तक वो बहुत ज्यादा गिरे। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको आईटी सेक्टर की एग्जांपल दी, इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी भी कुछ टाइम के लिए चला था, देन कुछ टाइम के लिए क्रैक करा। बट होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हाँ पिछले 3 साल में ये बहुत चले हैं तो अभी भी चलेंगे तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए सेक्टोरल फंड्स में आपको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज सेक्टर्स जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छे से ऊपर जाते हैं, बट जब गिरते हैं तो वो कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक गिरते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है जैसे मैंने आईटी की आपको दी, इसी तरीके से ये तो सिर्फ एक साल की एग्जांपल है, कुछ ऐसे सेक्टर्स में जो कि 10-10 साल तक भी गिरते रहते हैं। तो इसलिए सेक्टोरल फंड्स में आपको तभी जाना है अगर आपको बहुत ज्यादा समझ है, और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी समझ थोड़ी सी कम है या आप उतना टाइम नहीं दे सकते हो। तो इसलिए मेरा डायरेक्ट आंसर यही है कि सेक्टोरल फंड्स से आपको दूर रहना चाहिए अंटिल एंड अनलेस आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आप जानते हो कि साइकिल्स किस तरीके से वर्क करती हैं, कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। अब फिफ्थ मिस्टेक हमारी जो है, ये यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, और वो मिस्टेक है कि एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड को चेक नहीं करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सिर्फ फंड्स को ऊपर ऊपर से देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ये सिर्फ चीजें देखते हैं एंड देन इन्वेस्ट कर देते हैं। बट हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी चेक करनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, तो जो भी एएमसी हमसे कमीशन चार्ज करती है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, उसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं टेक्निकल चीजें बताऊंगा आपको एक्सपेंस रेशियो की, बट सेकंड पहले बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड क्या होता है, तो एग्जिट लोड बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर पीरियड से पहले पैसा अपना विड्रॉ करोगे, लेट्स से 1 साल से पहले, तो हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगाएं। अब हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, तो एक्सपेंस रेशियो में हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो भी कंपैरिजन करना है वो पीयर्स के साथ करना है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई लार्ज कैप फंड है, 10 फंड्स हैं, ठीक है, और 10 फंड्स की आप देखते हो कि उसमें से ज्यादातर जो फंड्स हैं उसकी एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है, और एक फंड ऐसा है जिसकी एक्सपेंस रेशियो 1.5% के आसपास है, तो डेफिनेटली वो 1.5 ज्यादा हुई, उस फंड को आपको थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। बट यहीं पे आप देखते हो कि कोई ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिसमें 10 फंड्स में से 9 फंड्स की एक्सपेंस रेशियो 1.5 है और कोई एक फंड है जिसकी 1.7, तो आपको 1.7 वाला ज्यादा नहीं लगेगा। हमें वहां पे पहले बात करी कि 0.5 है बाकियों की और एक की 1.5 है, दैट मींस वो बाकियों के कंपैरिजन ज्यादा है। बट यहीं पे जब हम स्मॉल कैप फंड्स में देख रहे हैं तो ज्यादातर फंड्स की 1.5 है और एक की 1.7 है, दैट इज कि यहां पे बेंचमार्क ही 1.5 का है, तो सभी फंड्स जो है 1.5 ही चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको भी उतना पे करना पड़ेगा ही। इसलिए आपको जो भी एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करनी है वो हमेशा पीयर्स के साथ करनी है कि वो जो कैटेगरी के फंड्स हैं उनकी क्या है, ठीक है। आपको ये नहीं कहना कि हाँ 0.1 एक्सपेंस रेशियो कम है और 1.5 ज्यादा है, डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी में बाकी फंड्स की क्या एक्सपेंस रेशियो है। अब एक्सपेंस रेशियो में आपको इस चीज का ध्यान तो रखना ही रखना है, बट साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि आपसे एक्सपेंस रेशियो तो थोड़ी ज्यादा चार्ज करते हैं बट वो आपको रिटर्न भी ज्यादा लाकर देते हैं। तो अगर आप ये देखते हो कि हाँ एक ये फंड है जो कि बाकियों से एक्सपेंस रेशियो तो ज्यादा चार्ज कर रहा है बट इसने पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली रिटर्न भी ज्यादा दिया, तो देन आप उस फंड को चूज कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर वो हमसे कमीशन ज्यादा ले रहा है बट हमें रिटर्न भी ज्यादा लाकर दे रहा है, तो देन हमें कमीशन देने में क्या दिक्कत है, थोड़ी सी ज्यादा कमीशन हम दे सकते हैं। बट डेफिनेटली आपको कंपेयर करना पड़ेगा बाकी फंड्स के साथ कि हाँ इसने ज्यादा रिटर्न दिया है या नहीं दिया। और यहीं पे बात आती है हमारी एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जिट लोड जो भी हो वो ज्यादा ये ना हो कि हाँ 3 साल 2 साल वाला एग्जिट लोड हो। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आपको ये कहते हैं कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालोगे तो हम एग्जिट लोड लगाएंगे, तो वैसे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्टिल मेरी प्रेफरेंस ज्यादातर ये होती है कि जिस फंड में एग्जिट लोड कोई भी ना हो मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जिसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है, या अगर होता भी है तो सिर्फ इतना होता है कि आप 1 महीने 2 महीने से पहले अगर विड्रॉ करवाओगे तो फिर लगेगा, तो वैसे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी जो सिक्स्थ मिस्टेक है वो बेसिकली बहुत ही कम लोग देखते हैं बट हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए, और ये है कि हम चेक नहीं करते हैं एयूएम को। एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, दैट इज वो पर्टिकुलर जो फंड है उसके अंदर टोटल कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, दैट इज कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कितनी एसेट्स वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए 100 लोग मिलकर 10-10 रुपए लगाते हैं किसी फंड में, दैट इज 1000 रुपीज हो गए, तो 1000 रुपीज हो गया उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये हमें कैसे चेक करना है, इसमें भी हमें कंपैरिजन करना है उसके पीयर्स के साथ उसकी कैटेगरी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर
कोई मिड कैप फंड है, हमें यह देखना है कि जो भी मिड कैप फंड्स हैं, जो भी टॉप मिड कैप फंड्स हैं, उनमें एवरेज कितना एयूएम है। ठीक है, आप देख दो कि किसी फंड में 5000 करोड़ का है, किसी में 4000 करोड़ का, किसी में 6000 करोड़ का, तो एवरेज आपको पता लग जाएगा कि हाँ 5000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। अब कोई फंड आप देखते हो जो कि आपको बाकी पैरामीटर्स पे तो ठीक लग गया, एग्जिट लोड भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, बट जब आप उसका एयूएम देखते हो तो आपको दिखता है कि सिर्फ 300 करोड़ 400 करोड़ का एयूएम है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना है कि यार बाकी फंड्स में 5000 करोड़ 6000 करोड़ है, इसमें सिर्फ 300 करोड़ है। तो इसलिए आपको हमेशा वैसे फंड के साथ रहना है जहां पे ज्यादा लोगों का पैसा लग रखा है, बिकॉज जहां पे ज्यादा लोगों का पैसा लगा होगा वहां पे थोड़ी सेफ्टी ज्यादा होगी, थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा होगी, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूं कि जिस फंड में ज्यादा एयूएम है उसको प्रेफर करूं। हालांकि कोई मेरा बेंचमार्क रूल नहीं है कि हां जिसमें एयूएम कम होगा मैं वहां पे इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया था जिसमें एयूएम सिर्फ 80 करोड़ 100 करोड़ था एंड धीरे धीरे बढ़कर वो 1000 करोड़ तक हो गया। तो इसलिए वो चीज भी है, बट यस आपको अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर एक थोड़े से पैसिव इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज चेक करनी चाहिए एंड आपको हमेशा टॉप जो भी एयूएम वाले फंड्स हैं उनके साथ स्टिक रहना चाहिए जो कि 2-3 नंबर 1 नंबर पे आ रहे हैं। अब इसी के साथ हमारा आ गया लास्ट पॉइंट एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये शायद आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, और ये है कि इन्वेस्टिंग इनटू फंड्स That is investing into mutual funds which are actually not mutual funds. अब ये कहने का क्या मतलब है, तो ये आपको मैं समझाऊंगा जब तब समझ आएगा कि आप कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो जो कि एक्चुअली फंड्स है ही नहीं। कहने का क्या मतलब, तो रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे फंड्स देखे जो कि स्मॉल कैप फंड्स थे। ठीक है, अब स्मॉल कैप फंड्स का मेन रोल क्या है कि उनको छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सेबी ने पूरा क्राइटेरिया बना रखा है कि आपको ये छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है एंड थोड़ा बहुत पोर्शन आप अपनी बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जब मैंने उस फंड की होल्डिंग्स चेक करी तो सबसे टॉप पे जो दो होल्डिंग्स थी वो थी सबसे पहला आईसीआईसी बैंक और सेकंड था रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अब ये दोनों कंपनीज किसी हाल से भी छोटी नहीं है, ये दोनों कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है, बट इस म्यूचुअल फंड ने क्या कर रखा था, अपना 10% के अराउंड इन दो कंपनीज में लगा रखा था। अब ऐसा कंपनीज या ऐसा म्यूचुअल फंड्स क्यों करते हैं, ये करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। बिकॉज देखो होता क्या है, ये एक बिजनेस है, जो भी फंड मैनेजर्स बैठे हैं, जो भी एएमसीज बैठी हैं, वो अकाउंटेबल है। ठीक है, अब समझ लीजिए किसी ईयर में स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसने 10% का रिटर्न दिया और जो ये स्मॉल कैप के फंड्स हैं इन्होंने 5-6% का रिटर्न दिया, तो जो भी एएमसी है वो अपने फंड मैनेजर से पूछेगी कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, लाइक कैसे कर रहा है तू, मतलब तू फंड चला रहा है और तेरे से इंडेक्स को भी बीट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में क्या करते हैं वो थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करने के लिए कई बार अपनी कैटेगरी से हटकर थोड़ा अलग इन्वेस्ट कर देते, दैट इज थोड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब देखो मैं एज अ इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा ये रोल है कि हाँ यार मैं ग्रोथ चाहता हूं, मैं छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने सोच समझ कर पैसा लगाया छोटी कंपनीज में और मेरे को पता है कि इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी मेरे को ज्यादा मिल सकता है। बट जब मैं उस फंड के अंदर एक्चुअली जाकर देख रहा हूं तो मेरे को पता लग रहा है कि भाई इसने 10% पैसा तो बड़ी कंपनीज में लगा रखा है, इससे अच्छा तो मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दूं, बट जब मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरी तब भी इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनीज में हो रही है। इसलिए ऐसे फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि कैटेगरी तो कोई है बट एक्चुअल में वो कैटेगरी कोई और बन के बैठ गया है। अब कुछ ऐसे सेक्टोरल फंड्स हैं जो कि जैसे आईटी सेक्टर के फंड्स हैं, अब जब मैं आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं मेरा पैसा हर आईटी कंपनी में लगे, जो भी मेजर मेजर कंपनीज हैं उनमें सब में डिवाइड होकर लगे। बट कुछ फंड्स आपको ऐसे दिखेंगे आईटी सेक्टर के जिन्होंने अपना 50-60% पैसा सिर्फ दो कंपनीज में लगा रखा है, एक इंफोसिस और एक टीसीएस। अब मेरे को अगर यार अपना सारा पैसा इन्हीं कंपनीज में लगाना है 60% पैसा, तो मैं डायरेक्ट जाकर इनके स्टॉक ही ले लेता हूं। अगर मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूं तो मैं चाहता हूं हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा लगे, लाइक 6% इंफोसिस में लग जाए, 8% टीसीएस में लग जाए, 10% एक्सेल टेक में लग जाए, 9% टेक महिंद्रा में लग जाए, 5-6% विप्रो में लग जाए, इस तरीके से लगे। ये नहीं कि 30% इंफोसिस में 20% टीसीएस में। अगर मेरे को ऐसे ही पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में आकर भी तो देन मैं क्यों फिर ये सेक्टोरल फंड ले रहा हूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट उनका स्टॉक ले लेता हूं। इसी तरीके से जब मैं स्मॉल कैप फंड ले रहा हूं मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा पैसा रिलायंस में लगे, आईसीआईसी बैंक में लगे, एचडीएफसी बैंक में लगे, मैं चाहता हूं मेरा पैसा छोटी कंपनीज में लगे। बट एक्चुअल में कुछ फंड्स ऐसा करते नहीं है, वो अपना लाइक रिटर्न बचाने के लिए कि हाँ रिटर्न हमारा डिसेंट आ जाए, बिकॉज जो बड़ी कंपनीज है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी डेफिनेटली, चाहे मार्केट थोड़ी गिरेगी भी तो वो कम गिरेगी, तो इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना रिटर्न बचाने के लिए कई बार उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको जरूर से चेक करनी है होल्डिंग्स में जाकर कि इन्होंने एक्चुअली में उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट भी है, आप इसको चेक कर सकते हो खुद जाकर। बाकी ये 7 मिस्टेक्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि ये 7 मिस्टेक्स खत्म हो गई, इसके बाद कोई मिस्टेक आप करोगे नहीं। जब आप खुद पैसा लगाओगे, खुद इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत सारी और भी गलतियां करोगे, उनसे भी आप सीखोगे। ये 7 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि आपको कभी भी नहीं करनी है और इनका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी है आपको लगता है जिससे हम सीख सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और बाकी वीडियोज भी आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे जाकर और स्टॉक मार्केट के बारे में और सीख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।